दुनिया भर के हर मंच पर पाकिस्तान भारत की बराबरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसे सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान को खुश होने का मौका मिल गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को एक मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो क्या है वो मामला जिसमें इमरान निकल गए हैं पीएम मोदी से आगे, आइए देखते हैं। क्या दुनिया में पाकिस्तानी पीएम की धाक भारतीय पीएम से ज्यादा है? क्या इमरान का कद दुनिया में तेजी से बढ़ा है और पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है? वैसे तो ये सवाल किसी भारतीय से करेंगे तो जवाब होगा, दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। पीएम मोदी का प्रभाव और लोकप्रियता इमरान खान से काफी ज्यादा है। लेकिन ये सवाल अगर दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करने वाली पत्रिका टाइम में हो तो जवाब मिलेगा हाँ, इमरान खान आज पीएम मोदी से ज्यादा प्रभावशाली है। टाइम पत्रिका ने 2019 के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की जो सूची जारी की है उसमें पीएम मोदी को शामिल नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसमें जगह दी गई है। ये लगातार दूसरा साल है जब टाइम ने पीएम मोदी को प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह नहीं दी है, जबकि 2017 में टाइम ने पीएम मोदी को तीसरे स्थान पर रखा था। इस बार प्रभावशाली लोगों की जो सूची जारी की गई है उसमें पहले नंबर पर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का नाम है। दूसरे नंबर पर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता 13 साल की ग्रेटा थनबर्ग को सूची में तीसरा स्थान दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 25वें नंबर पर है। इस साल टाइम ने मई अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कवर स्टोरी प्रकाशित की थी। इस स्टोरी का शीर्षक था इंडिया डिवाइडर इन चीफ। टाइम की ओर से इस अंक के कवर को ट्वीट करते हुए लिखा गया था कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार को आने वाले 5 साल के लिए बर्दाश्त कर सकता है। ये वो समय था जब भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। चुनाव में मोदी ने जीत हासिल की और वो एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन टाइम ने उन्हें इस बार भी दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल नहीं किया। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट।